संविधान बचाओ संघर्ष ने जनपद का मेन हाईवे जाम किया। ईवीएम और 10% सवर्ण आरक्षण हटाने को लेकर आंदोलन किया। कई अधिकारी सहित तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की और दर्जनों आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिर ये लोग प्रदर्शन करते आखिर क्यों क्या कितना उग्र हो गया था, कितने लोगों पे हमला किया पुलिस पर? संविधान बचाओ मोर्चा के तहत प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, इन्होंने हाईवे जाम कर दिया। लगभग 25 एम्बुलेंस यहाँ फंसी हुई थी। हम लोग जब आए जिससे कहा गया कि एक तरफ होने के लिए, जिन्होंने उग्र हो गए उन लोगों को पथराव किया। लेकिन बात डंडा था, कुल्हाड़ी थी और पूरी तैयारी से आए थे लोग। सर कितने पुलिसकर्मी और कौन कौन इसमें घायल हुआ है? लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमारे नायब तहसीलदार के सर में और ड्राइवर के सर में चोट लगी, उनका सर फट गया है, वो लोग अस्पताल में इस समय। ठीक रोल सर, ये किस तरीके का आखिर प्रदर्शन था, क्या ये किन लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या कार्रवाई हो रही है? ये अजय फौजी के नेतृत्व में ईवीएम बचाओ देश बचाओ करके इन्होंने कार्यक्रम किया था और इस कार्यक्रम की पूरी पूर्व सूचना ले ली गई थी। और ये जब ये लोग हुए थे ये पुलिस पर आक्रमण हो रहा है और ये जो है लाठी डंडे और सुनहरी भी इनके पास एक को बरामद हुई है, इसके साथ ये खतरनाक प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने इसमें रोड जाम किया। जब इनको रोका गया तो ये पुलिस पर आक्रमण हो गए। पुलिस ने जो है इनकी गिरफ्तारी की है और वो डंडे लाठी और एक खिलाड़ी हमने इनसे बरामद की है और अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दो लोग इसमें शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया। सर लमसम कितने पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं? इसमें हमारे चौकी तीन चार घायल हुए हैं। क्या पुलिस सर जिस तरीके से ये लोग हथियार लेकर के आए थे, क्या एलआईयू इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था कि ये प्रदर्शन में इस तरीके का? इसमें जो एलआईयू जो है पुलिस ने सूचना नहीं दिया था, इसकी एलआईयू ने जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी है उनको भी कंडक्ट किया जाएगा। समय पर जो है समुचित सूचना देने के लिए क्या पुलिस पर पथराव भी हुआ था? सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए अभी संख्या तो नहीं बता सकता लेकिन 6-7 लोग अभी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी का रुख किया। सर किस तरीके की धाराओं में अपनी कार्रवाई होगी चूँकि इन्होंने हाईवे जाम किया है? और पुलिस को 147, 148, 149, 7CLA 307, 308 और जो है 7CLA। ठीक सर।